दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो जो है इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको बहुत सारे जो हैं टिप्स मिलने वाले हैं कि किस तरह से हम इस तरह से बचे खुचे कपड़े का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे इस तरह से जो कपड़े छोटे छोटे टुकड़े वगैरह बचे रहते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो हमें फेंकना नहीं है फ्रेंड्स, उसको यूज में कर लेना है। तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि इन सब टुकड़ों का क्या होगा, इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन इससे बन सकता है बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइजर। तो वो ऑर्गेनाइजर क्या क्या है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग फुल वॉच करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो जो पतले पतले पीस थे ये सब बचे हुए थे, मैंने दूसरा ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ था उसमें से बचा हुआ था तो मैंने फेंका नहीं। इसकी हम बना लेंगे पतली सी चोटी, और चोटी बनाने के बाद आप इस तरह से चोटी बना लेंगे तो आप अच्छा सा डोरमैट बना करके रेडी कर सकते हैं फ्रेंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा और चलेगा सालों साल। इस तरह से आपके ओल्ड कपड़े सारे के सारे यूज हो जाएंगे। और अगला टिप्स हमारा ये है, ये देखिए पुराना विंटर लोअर है जो कि ख़राब हो चुका था तो इसे हमने फेंका नहीं है। तो इसका हम किस तरह से यूज करने वाले हैं चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले मैं इसको बराबर करके साइड से थोड़ी थोड़ी कर लूँगी कटिंग। तो यहाँ पे मैं कैंची की हेल्प से काट ले रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, विंटर में बहुत ही काम आने वाली चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप आसानी से सारे किचन के काम कर लेंगे, आपको ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया हुआ फ्रेंड्स, इसको रखते हैं साइड में। और हम लेते हैं एक पॉलीथीन जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो पॉलीथीन ले करके मैं यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ से लगा दूँगी सिलाई, और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको पहन सकते हैं। विंटर में बर्तन धुले, किचन में कोई भी काम करो, आपके कपड़े तो गंदे भी नहीं होंगे, साथ ही साथ भीगेंगे भी नहीं, तो बहुत ही बेस्ट हैक है फ्रेंड। अगला है ये साड़ी के टुकड़े जो हैं पड़े हुए थे तो इसको भी फेंकने से अच्छा है कि इसका यूज किया जाए। तो इसकी भी मैंने यहाँ पे पतली पतली पट्टियाँ निकाल ली हूँ, और निकालने के बाद सेम प्रोसेस वही मैं बनाने वाली हूँ डोरमैट। तो बहुत ही प्यारा सा डोरमैट बन के रेडी होगा, कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प लिया हुआ है, इस तरह से हम बीच बीच में डालते जाएंगे और अपना डोरमैट बना करके रेडी कर लेंगे। अगला हैक हमारा है, इस तरह से बचे हुए लेस को हम फेंकना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि हमको किस तरह से इसको यूज में करें। तो इस तरह से लेसों का हम बहुत ही परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोरी ली हूँ जो पुरानी पड़ी हुई थी हमारे पास, चावल गेहूँ की बोरी, तो उसे फेंकना नहीं है, उसको भी यूज कर लेना है। तो मैंने यहाँ बोरी पे लगा दिया हुआ है साड़ी का कपड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ब्लू एंड ब्लैक में। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लेसेस लगा करके बना लिया है बेस्ट ऑर्गेनाइजर कपड़े रखने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे घर में ओल्ड कपड़े पड़े रहते हैं तो हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो टी शर्ट को हम इस तरह से पतली पतली पट्टियाँ निकाल करके डोर मैट बना सकते हैं, और बचे हुए कपड़े से बना सकते हैं लॉन्ड्री बैग जो कि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ यही है। और इस तरह से पुरानी साड़ी को हम बना सकते हैं बहुत ही प्यारा सा टेबल मैट, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगला हैक्स है क्या है, जो बहुत सारे जींस वगैरह रहते हैं तो इस तरह से हम बना सकते हैं ऑर्गेनाइजर छोटे मोटे चीज़ रखने के लिए। कलरफुल कपड़े अगर ब्लाउज पीस बचा है तो इस तरह से हम बना सकते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे से ऑर्गेनाइजर हैं फ्रेंड्स। और छोटे मोटे कपड़े को हम बना सकते हैं, अपने हेयर बैंड को न्यू लुक दे सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारे चीज़ बना करके हम अपने घर को डिकोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सारे कपड़े को फेंकेंगे नहीं, इस तरह से अपने घर में यूज करेंगे और अपने घर को सजाएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ बनाएंगे जो चलेगी सालों साल। तो यहाँ पे विंटर के भी कपड़े हैं, इसका भी यूज आपको दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह से स्वेटर वगैरह का बना सकते हैं, बहुत ही बेस्ट पिलो कवर जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शर्ट का भी यूज हो गया है पिलो कवर के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सिस्टर को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में नए हैक्स।